हेलो एंड वेलकम टू कुक विद प्रेमलता। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं चना आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। बहुत ही अच्छी सब्ज़ी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीज सब्ज़ी है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए देखिए मैंने अदरक लहसुन मिर्च लिया है, प्याज लिया है और ये देखिए आलू है। ये मेरा 2 अढ़ाई आलू है, बड़ा बड़ा आलू था, छोटा बड़ा आलू मिला के मैंने बनाया है। ये देखिए शिमला मिर्च है, टमाटर है, अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट दिखाया मैंने, प्याज दिखाया, चना भी दिखाई दिया। ये तेल मेरा गरम हो चुका है और इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। तेल मेरा 2 से 3 चम्मच तेल है। और ये देखिए शिमला मिर्च मैंने डाल दिया जीरा डालने के बाद, और इसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज भी आप अपना हिसाब से डालिए। आधा प्याज मैंने काट के डाला था, आधा पीस दिया था मैंने। तो पीसने से क्या होता है ना, करी थोड़ा सा रस जो उसका करी जो होता है थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो अच्छा लगता है, उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो चना की सब्ज़ी में तो गाढ़ा सब्ज़ी अपने आप तो नहीं बनेगा। तो बैंगन मैंने नहीं डाला था, तो बैंगन से गाढ़ापन आता है। तो बैंगन बिना अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको प्याज को पीस देना होगा। तो टमाटर अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट तो मैंने बनाया ही था, साथ में थोड़ा सा प्याज भी मैंने पीस दिया था, तो उससे उसका रस गाढ़ा हो गया। और ये देखिए आलू को जो मैंने धो के रखा हुआ था उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो आलू को अच्छी तरह से भून दीजिएगा। 1 से 2 बार मैंने ढक ढक के पकाया। फिर चना को भी मैंने इसमें डाल दिया था, चना को भी मैंने रात भर भिगाया था, तो उसको मैंने सीटी वीटी नहीं लगाया है, तो ये आसानी से रात भर फूल गया है। तो आप चाहें तो कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। तो देखिए मेरा आलू 1-2 बार में ढक के मैंने पका लिया है, और इसमें साथ ही साथ मैं इसको चना को भी डाल दी हूँ, तो चना भी साथ ही साथ इसका भुन जा जाएगा। तो इसको ढक ढक के आपको पकाना है, अच्छा से आप ढक के पकाइए। जब इसका भी पानी बहुत निकलेगा तो चना में अपने भाप से ये सीज जाएगा। तो जब अच्छी तरह से आपको लगे कि हाँ अच्छी तरह से सीज गया, तो इसमें देखिए मैं नमक डाल रही हूँ। और नमक डालने से क्या होता है, इसमें जो पानी रहेगा जो निकलेगा उससे अपना पानी में ही पकेगा ये, तो अलग से आपको दिक्कत नहीं होगा, आसानी से ये पक जाता है। और तेल भी इसमें ज़्यादा लगने का ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तेल मत डालिएगा, 2 से 3 चम्मच तेल इनफ है। तो ये देखिए ये आधा से ज़्यादा मेरा कुक हो चुका है। अब बस इसमें मैंने अदरक लहसुन मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो डाल दूँगी। तो टमाटर मैंने 2 बड़ा टमाटर रखा है और 5 से 6 इसमें मिर्च है, अदरक है 1/2 इंच का, और लहसुन की कलियाँ भी 4-5 है। तो बस सबको मैंने पेस्ट बनाया, और साथ में प्याज भी प्यूरी है मेरा, ये 1 प्याज का प्यूरी है, साथ ही में मैंने डाल दिया है सब। तो प्याज डालने से, अभी मैंने आपसे कहा भी था कि प्याज डालने से उसका रस थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, तो इसीलिए मैंने इसमें प्याज का भी प्यूरी डाल दिया है। तो ये देखिए सारे मसाले हैं, जीरा धनिया का पाउडर है, हल्दी है, और गरम मसाला तो मैंने थोड़ा सा डाल भी दिया था इसमें। और आप चाहे तो इन इसको मिस कर सकते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और चना मसाला है, और इस सब मसाले आप इसमें डाल सकते हैं। तो गरम मसाला, चना मसाला सब मिक्स करके मैंने देखिए डाल दिया है। और चना मसाला मैंने 1/2 चम्मच डाला है इसमें। आप चाहें तो इस है तो आपके पास ठीक है, नहीं है तो इनफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, स्किप कर सकते हैं और स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मसाले आपके सब्ज़ी के जो आप ऑलरेडी हमेशा जो डालते हैं वो आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस मसाले को भूनते भूनते थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको पका रही हूँ, और ये आसानी से पक जाता है। मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी, क्योंकि आलू थोड़ा सा मेरा पका नहीं था, तो आलू भी पक जाएगा, चना भी पक जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको सूखा सूखा जैसे बनाऊंगी, ज़्यादा हल्का पानी रहेगा इसमें, तो थोड़ा पानी डाल के मैं इसको पका दूंगी, और फिर चपचपा रहेगा। तो उसमें क्या होगा ना, थोड़ा देर में जो पूरा जो पानी है, रस जो बनाएंगे वो पूरा एब्जॉर्ब कर जाएगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा ढक के पकाऊंगी और ऊपर से धनिया से गार्निश कर। देखिए ये थोड़ा सा आपको रस दिख रहा है, लेकिन ये रस थोड़ा देरी में सूख जाएगा। तो ऐसे ही बनाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे चैनल को, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, प्रेमलता ऑल इन वन। और ये मेरा पुराना चैनल है कुक विद प्रेमलता, और नया चैनल है, और उसमें नया चैनल में ज़रूर जाइएगा प्रेमलता ऑल इन वन, और उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और इसका मेरा सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे को आपका ये चीज़ का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।